म को कैसे आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैरत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल रेसिपी नहीं है आलू चिकन बन रहा है और रेसिपी आप आराम से देख सकते हैं उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं है जो आपको समझना आए ना बस आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि कल था मदर्स डे तो हर तरफ़ से महज़िस और सोशल मीडिया भरा पड़ा था मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे का आ, मैंने वैसे विश नहीं किया अपनी अम्मी को इवन कॉल भी नहीं कर सकी कल मैं कुछ मसरूफ़ थी अदरवाइज़ ये कि सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था स्टेटस लगे हुए थे अपनी माओ की पिक्चर्स लगी हुई थी और सोन बहुत कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर तो मदर डे हो या ना हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से सोचती हूँ पहले कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था लेकिन अब चूँकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब का चैनल तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी थिंकिंग आप, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मैं आप लोगों से भी पूछ सकूँ कि क्या ये मेरी थिंकिंग ठीक है क्या ये मेरी थिंकिंग गलत है मुझे गाइड जरूर खींचेगा ना आ, बस मैं सोच रही थी कि क्या रोल होता है एक मेरिट जो हम लोग वुमेंस होती हैं खैर मेरा ख़्याल है हम मैं लड़कियाँ कह लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा मैं भी थोड़ा सेटिसफाई हो जाऊँगी ये जो हम लड़कियाँ होती हैं जो शादी करके चली जाती हैं हमारा क्या रोल रहता है अपने माँ बाप की ज़िंदगी में अपनी माओं की ज़िंदगी में स्पेशली जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के दिन रात हमें सिखाने के लिए अपना इतना ज़्यादा मतलब वो फ़ोकस रखती हैं कि हम बेटियाँ कुछ सीख जाएँ जो अगले घरों में कामयाब रह सकें ये करती हैं तो हम उन्हें बदले में क्या देते हैं शादी के बाद लिटरली मैं ये बात बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि हम अपनी माओ को क्या देते हैं शादी के बाद ठीक है अलहमदिल्ला हर हर मदर हमारी फ़ाइनेंशियली उनको किसी चीज़ की हमारी ज़रूरत नहीं होती अल्लाह हमारे भाइयों को सलामत रखे अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखे ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम शादी के बाद ज़रूर हर एक से दोहराती हैं कि जी शादी के बाद माओ की कदर आ जाती है शादी के बाद माओ की ज़रूरत बढ़ जाती है जरा सा कोई मसला परेशानी होता है दिल उदास होता है पहली कॉल जो हम अपनी माओ करते हैं वो अपनी माँ को होती है और यकीन करें ज़रा सा घर में कोई मसला परेशानी होता नहीं सबसे पहले तो हम अपनी अम्मी को परेशान कर देते हैं uh, मतलब अम्मी जी आप सुन लें पहले कि ये हमें परेशानी है आप आप फिलहाल परेशान हो यहाँ घर में बैठ के और हम फिर इधर अपना मसला हल भी कर लेते हैं लेकिन माँ तो होगी ना हमारी परेशान ये हम बेटियाँ अपनी माओ के साथ करती हैं चलिए ये तो अलग बात है ना ये तो खैर ये ये शायद हम लोग इमोशनली स्ट्रॉग होने में टाइम लेती हैं तो शुरू में हम लोगों को इस स्पोर्ट की माँ बाप से बहुत जरूरत होती है ना अच्छा मैं अब आपको एक छोटा सा सीन पोट्रेट करती हूँ कि जब हम जो ये हम लड़कियाँ होती हैं ना जब अपने घर में जाती हैं शादी के बाद हम क्या करती हैं अच्छा जी पहली बात है कि अम्मी को फोन किया मुझे दिन के लिए घर आई हूँ पहली बात है कि फोन करती है हमारी अम्मी घुस जाती हैं किचन में क्योंकि पता होता है कि बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं तो जी किचन में कुछ बनना चाहिए सबसे पहली बात यह है कि हम लिटरली अपनी माँ को इतने इतने घंटों तक किचन में खड़ा कर देती हैं चलें ठीक है वो एक मेहमान नवाजी है अच्छी बात है उन्होंने पका दिया खाना हम लोगों ने जाके खा लिया हम उठती नहीं है सोफे से हम उठती नहीं है सोफे से बस अब ठीक है हस्बैंड छोड़ के चले गए कि दो दिन आपने रहना है यहाँ पे और बस एक ही बात मैं तो रेस्ट करने के लिए आई हूँ मैं तो रेस्ट करने के लिए आई हूँ हम जो एक आ, मतलब अपने ससुराल में अपने घरों में या जो जॉइंट फैमिली में या ससुराल में नहीं रहती जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर अपने अपने घरों में हम लोग सिक्स टू सेवन से रात रात दस दस ग्यारह बजे तक नॉन स्टॉप काम करती रहती हैं ना बैठती हैं ज़रा सा हस्बैंड को कुछ चाहिए बच्चों को कुछ चाहिए उठ उठ के जाती हैं भाग के देने के लिए ना और जो हमें मुश्किल से दो तीन दिन हफ्ता मिलता है अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए स्पेशली 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 मैं कहूँगी अपनी माँ की खिदमत करने के लिए क्योंकि हमारी माएँ लिटरली बहुत टाइम लगाती हैं किचन में घर की सफाइयों में घर के कामों में हमारी माएँ पूरा दिन लगी रहती हैं और हम क्या करते हैं शादी के बाद जाते हैं बैठ पे बैठ के सबसे पहला फ़िक्र ये होता है मैं तो आराम करने के लिए आई हूँ जिस जब आपको इतने आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है ना अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए तो फिर आपने आराम नहीं करना होता सबके घरों में शायद भाभियाँ होंगी सबके घरों में शायद छोटी बहनें होंगी जो माँओं की हेल्प करती होंगी मे भी बहुत से घरों में काम वालियाँ भी लगी हुई होंगी लेकिन आप बताएँ या मैं बताऊँ कि क्या हक अदा किया है मैंने अपनी माँ का जिसने मुझे खाना बनाना सिखाया एक एक घर का काम इसलिए सिखाया कि मैं अपना घर चला सकूँ तो जब मेरी बारी आती है उनके लिए कुछ करने की तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ हम कुछ नहीं करती हैं हम बस चट्टर पट्टर चट्टर पट्टर सोफे पे बैठ के बेड पे बैठ के उधर बैठ के इधर बैठ के बस बातें 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 और हमारे जाने का टाइम हो जाता है लिटरली हम कुछ भी नहीं करते हैं अपने घरों में इवन बर्तन भी नहीं आगे से उठा रहे होते हैं वो भी बहनें भाभीियाँ माएँ खुद ही उठा रही होती हैं हम तो बस बैठे रहते हैं वहाँ पर क्योंकि जी हम तो अपने घर में आराम करने के लिए गए हैं कब लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाया था भाभी बनाती हैं अच्छी बात है बहन बनाती है अच्छी बात है अम्मी खुद अपने लिए नाश्ता बना लेती हैं अच्छी बात है वो अपने लिए भी बनाती हैं वो हमारे लिए भी बना के लेके आती हैं बट कब लास्ट टाइम हमने अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाया था शादी के बाद कब लास्ट टाइम अपनी अपनी माँ के कपड़े इस्ते किए थे कब लास्ट टाइम हमने अपनी अम्मी को बर्तन धोते हुए उनके हाथ से बर्तन पकड़ लिया था कि नहीं अम्मी मैं मैं धोती हूँ अम्मी आप पीछे हो जाए कब लास्ट टाइम हम लोगों ने ये काम किए थे अपनी अम्मी के साथ ने लेकिन हम लोगों को जैसी वही बात है कि जैसी को लेने की बारी आती है अम्मी जाते हुए सौ पचास रखती हैं तो हम अपने हक़ से रख लेते हैं कि भाई हम तो घर की बेटी हैं जैसी अम्मी अपनी सेविंग से हमारे दो चार सूट लेके आती हैं हम हक़ से रख लेती हैं कि भई हम तो घर की बेटी हैं हमारा तो हक़ बनता है इन सब चीज़ों पर जो माँ लेके आती है हमारे लिए जाते हुए वो किचन से कुछ पकड़ा देती हैं आपको तो ये मेरी पर्सनल राय है ये टोटली मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग अपने अपने घरों में जाती हैं तो इरादा करके जाया करें कि हम आराम करने नहीं जा रहे हम अपने माँ बाप को अपने हाथ से खाना बना के खिलाएंगे हम अपने माँ बाप के अपने हाथ से काम करेंगे फिर वही बात कहूँगी कि हर भाभी कर रही होती है हर एक के घर में अच्छी बात है हम भी दूसरों के घरों में कर रही हैं ये बहुत अच्छी बात है हमारे उस घर में भी फ़र्ज़ हैं उनको करना चाहिए हमें भी अपने अपने ससुराल में करने चाहिए लेकिन जब अपने माँ बाप के पास जाए ना तो थोड़ी सी खिदमत उनकी भी किया करें सिर्फ बातों से पेट मत भरा करें खासतौर पे अपनी माओं का हम अपनी बाओं से बस बातें करते रहते हैं बातें करते रहते हैं बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते कुछ भी नहीं देते बस ये ख़िदमत है बेशक के माँ बाप दुआएँ ही दुआएं करते हैं हम ये सब कुछ करें या ना करें लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह जो आप दुआएं कमाएंगी ना जब आप उनके लिए उनके लिए चाय बना के लेके जाएंगी उनके लिए सालन बना के रखेंगी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेंगी अपने माँ बाप को बिल्कुल मतलब उनका काम अपने हाथ से करेंगी कि अम्मी ये मेरा दिल कर रहा है आपका काम अपने हाथ से करने का बेशक कि कोई भी माँ अपनी मैरिड बेटी को नहीं कहती कि उठ के ये काम करके दो लेकिन कहें कि अम्मी मेरा दिल कर रहा है आपका काम अपने हाथ से करने को ना तो यकीन करें इस तरह जो दुआएं आप लोग कमाएंगी ना उसका उसकी उसकी बात ही कुछ और होगी ना चले जी आज का व्लॉग करती हूँ मैं ख़त्म यहीं पर होप्स आप लोगों का आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी बात मेरी ठीक लगी या इवन कौन सी बात मेरी मुनासिब नहीं भी लगी मैं वेट करूंगी ओबियसली ये मेरी अपनी राय है आप लोग मुझसे अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और फिर भी आखिर में फिर वही बात कि अपना घर कहती हैं तो अपना घर बना के भी दिखाया करें जाके अपना घर ही समझ के काम किया करें होटलों में आराम करने जाया जाता है अपने घरों में आराम करने नहीं जाया जाता भाभीों के साथ भी इस तरह आपका बाउंड बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा दुआ में बहुत ज्यादा सारा याद रखिएगा दुआएं सबसे खूबसूरत चीज हैं जो मैं आप लोगों से हर दफा कहती हूं कि मुझे जरूर दे दिया करें जब भी मेरी याद आए ओके जी अल्लाह हाफिज